कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालू यारो। गौरवशाली युग का मूक गवाह और वैभवशाली विरासत का प्रतीक बुंदेलखंड, यहाँ के चप्पे चप्पे का समृद्ध इतिहास बताता है कि इस वीर भूमि पर कैसे खुशहाली की फसल लहलाती थी। लेकिन पिछले कुछ साल में यहाँ के सुख चैन को ग्रहण सा लग गया। मॉनसून ने मुंह फेर लिया तो भूगर्भ जल का स्तर भी पाताल में जा पहुंचा। सूखे और जल संकट ने बुंदेलखंड के एक बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया। नतीजा ये हुआ कि गर्मियों में सूखे तालाब और बेकार हैंडपंप से पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत होने लगी और लोगों के सामने पानी के लिए पलायन तक की नौबत आ गई। हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल में बसे बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 9 जिले आते हैं। यहाँ उन्हीं हालात के साफ संकेत दिख रहे हैं जिनकी आशंका को वक्त रहते भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण का अपना विजन देश और दुनिया के सामने रखा, बूंद बूंद पानी की अहमियत का सबको एहसास कराया। हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। बुंदेलखंड जैसा खतरा देश के एक बड़े भूभाग के बिल्कुल सामने खड़ा है जिससे निपटने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की पहल पर आजादी के बाद पहली बार युद्ध स्तर पर व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय जल शक्ति का गठन किया है जिस पर बड़ा दारोमदार है। ये मंत्रालय एक व्यापक कार्य योजना के साथ प्रधानमंत्री के विजन को जमीन पर उतारने में जुटा है। कम्युनिटी बेस इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है या किसी व्यक्ति विशेष ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव का परिणाम हुआ कि वहाँ पे उस क्षेत्र विशेष में गांव विशेष में भूगर्भ जल की स्थिति या अवेलेबिलिटी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की कंडीशन बेहतर हुई है। ये नामुमकिन नहीं है, खासकर तब जब सरकार की पहल में जनता बन चुकी है भागीदार। जब जन और तंत्र दोनों मिलकर किसी चुनौती से निपटने के लिए कमर कस लेते हैं तो फिर विजय का मंत्र साकार होता है। ठीक उसी तरह जिसकी जीती जाती गवाह है जालौन की बदली हुई ये तस्वीर। 2 साल पहले शुरू हुई एक पहल अब एक मिसाल बन चुकी है। बुंदेलखंड का जालौन उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां ना सिंचाई के लिए और ना पीने के लिए पानी था। साल में एक फसल भी मुश्किल से हो पा रही थी। हजारों किसान भुखमरी, गरीबी और पलायन की समस्या से जूझ रहे थे। ऐसे में जालौन जिला प्रशासन ने जिला अधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर की पहल से जल संरक्षण से जुड़े अन्य विभागों को भागीदार बनाकर बारिश के पानी का संरक्षण और वाटर रिचार्ज को बढ़ाने के लिए भूजल संचय कोष की शुरुआत की। प्रधानमंत्री लगातार इस भी चीज को भी रखते हैं कि जल संचयन के अलावा वो हमेशा क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, और क्लाइमेट चेंज का सबसे भयावह असर जो है वो वाटर साइकिल पर पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर वाटर साइकिल हमारा सही नहीं रहा तो इसका जो है हमारे खेती से लेकर हमारे आम जनजीवन पे भी जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ मौजूद चेक डैम्स का सर्वे हुआ ताकि पुराने चेक डैम्स की मरम्मत के साथ साथ उन्हें बेहतर उपयोग के लायक बनाया जा सके। सर्वे में 338 में से 100 चेक डैम्स ऐसे पाए गए जिनकी मरम्मत करके 1930 हेक्टेयर जमीन को पानी मिल सकता था।
अब मुश्किल ये थी कि मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई अलग से फंड नहीं था। ऐसे में मनरेगा और 14वें वित्त आयोग और SFC फंड्स को उपयोग करने का फैसला लिया गया। मुख्य चुनौती तो ये है कि ये काम हमें ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत से कराने थे, पर ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत के पास वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है कि वो इस पे काम करें, तो हमें दूसरे विभागों के साथ जो है इसमें अपना कन्वर्जेंस करना पड़ा। हमारे यहाँ DM साहब ने एक अभियान चलाया कि हम ऐसी जगहों को चिन्हित करें कि जहाँ पर जिन स्रोतों से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लगभग 256 ग्राम पंचायतों में सर्वे कराया, जहाँ पर जल संरक्षण चेक डैम वगैरह और या बंदी के काम की जरूरत थी, चेक डैम ध्वस्त थे, पानी रुक नहीं रहा था, जल संरक्षण हो नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले यही किया गया कि हम अधिक से अधिक जल रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। चेक डैम्स की मरम्मत का ज्यादातर काम अप्रैल से जून के बीच कराया गया, ताकि इन्हें बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही जल संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जा सके। चेक डैम टूटा पड़ा हुआ था और जितना भी पानी बरसात में होता था सब बह के निकल जाता था। पानी का दुरुपयोग हो रहा था, पानी का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो उसको रोका जा सके और पानी बरसात के पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। गर्मी के इन्हीं 3 महीनों के दौरान स्थानीय लोगों का सबसे ज्यादा पलायन होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने से स्थानीय लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला। असर ये हुआ कि इस क्षेत्र में पलायन ना के बराबर हुआ। हम लोगों की फसल हो नहीं पाती थी, खेत ऐसे ही बंजर पड़े रहते थे। जब पानी का अभाव था तो सर बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत थी, हम लोगों को पलायन करना पड़ता था। लोगों का एक तो पानी पीने के लिए सुविधा हो गई, फसल में पैदावार हो गई, तो गांव जो पलायन कर रहे थे, गांव के लोग, वो पलायन बंद हो गया। कहीं से पानी नहीं मिलता था, जब वो पानी लीक होकर बाहर निकल जाता था पानी रहता ही नहीं था। अब जो है वो उसमें टिप टाप हो गई, सदने लगा पानी, तो अब जो है उसमें किसान पैदावार करने लगा उससे। इस योजना में शामिल सिंचाई विभाग, मिट्टी संरक्षण विभाग के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्तर पर हर 15 दिनों में मरम्मत कार्यों की समीक्षा की जाती रही। पहले यहाँ कोई पैदाइश नहीं होती थी, तो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये प्रेरणा मिली, एक विकासखंड पे 3-4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई कि ऐसे जगहों का चिन्हांकन किया जाए जहाँ पर हम कुछ कृषि उत्पादकता के लिए कर सकते हैं, जल संचयन कर सकते हैं। इस एरिया को अगर हम अभी नहीं लेते तो आज से 5-7 साल बाद ये पूरा रिवाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पानी आता है, उसकी बूंद जैसे पड़ती है इस पे तो पूरी उछलती है, मिट्टी अब्जॉर्ब नहीं करती पानी और वो पूरा पानी बह जाता है। इन चेक डैम्स के आसपास के खेतों के किसानों ने भी इन कार्यों पर नजर रखी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मरम्मत के बाद उनकी फसलों को फायदा मिलेगा। पानी टोटल रुकता नहीं था, निकल जाता था, और सिर्फ सफाई नहीं हुई थी तो उसकी भी करवा दी, वहाँ बेसन तो हम झाल झक्कड़ दखनी अखनी खड़े थे, वो सब कटवा कटवा के बढ़िया साफ कर दिए जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा रुक सके। वहाँ चाहे तो पानी अपने ला जाए, आस पास इंजन धर के अपने व्यवस्था पानी की जा सें, काफ़ी सुविधा हो गई। नहीं पहले अंदर सब बहुत परेशानियाँ थी, जिस बनने से पानी काफ़ी दूर तक रुकोरा थे। उरई से कुछ दूरी पर बसे अकबरपुर गांव के बाकी किसानों की तरह परमानंद को भी भूजल संचय कोष प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें थी। उस समय हमारी फसलें बो तो देते थे, लेकिन मतलब पानी की कमी की वजह से सब सूख जाती थी। बामुश्किल एक बीघे में एक कुंटल ही ज्यादा से ज्यादा मिल पाता था। जब पहल के नतीजे आए तो इनकी उम्मीदों को उड़ान मिल गई। आशा तो ही फायदा होगा, और जब ये बनके तैयार हो गया तब वो ये सपना साकार भी हो गया हमारा। यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए इतना पानी मिला कि जहाँ एक फसल भी खेतों में अक्सर सूख जाया करती थी, वहाँ अब 2 फसलों की पैदावार हो रही है। पानी खेतों में पहुँचाने के लिए हम लोग एक पंपिंग सेट का प्रयोग करते हैं, और जिस भी किसान के खेत आस पास है या थोड़े दूर पे है, वो लोग अपना अपना पंपिंग सेट लेके आते हैं, एक इंजन होता है, उस इंजन को ऑपरेट करते हैं और एक बॉल के माध्यम से जो चेक बॉल होती है वो डाल देते हैं चेक डैम में, और एक जीन की बॉल डाल के हम खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। हम लोग बड़े
खुशहाल हैं, पानी है, हमारी फसल बढ़िया है और गेहूं करने लगे और भी फसलें करने लगे, दो दो तीन तीन फसलें कर रहे थे। पहले तो एक ही फसल नहीं होती थी, बरसात में वर्षा हो गई तो पैदावार ही हो गई, और नहीं भाई तो कुछ नहीं हो रहा, तो चेकना बनने से तीन फसलें तो मिनिमम आदमी कर ही लेता है। परमानंद की तरह ही दूसरे किसानों की आमदनी बढ़ी है, रहन सहन का स्तर बेहतर हुआ है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, घर में साल भर खाने के लिए अनाज भी बचने लगा है और मजदूरी के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ता। पहले खाने के लिए परेशान थे, अब अपना खाते पीते हैं भी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका खर्च मकान भी अपना तैयार कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं अच्छी, और अपना रहन सहन बदल लिया उन्होंने, पहले की अपेक्षा अब काफ़ी परिवर्तन है। अब साहब जब फसल भाई तो भाई हिसाब से मतलब कुछ रूटीन बनी तो बा हिसाब से मतलब जो कुछ पैदा करो यू में करो तो कुछ अब कुछ खान पीन लगे सब उससे। पानी वाले से बहुत बदला आया कि हम लोग उनको लेना नहीं पड़ा गल्ला पानी में, अपनी फसल ही में हो, सब्जी अब्जी नहीं लेना पड़ा, कछु नहीं लेना पड़ा, अपनी पैदा कर रहा है, खर्च कर रहा है और कछु बचत में उठ बेच। सतही जल भंडारण से यहाँ करीब 10,000 किसानों को सीधा फायदा मिला है, जबकि क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ने से 15,000 किसानों को अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिल रहा है। पानी होगा तो खेती होगी, तो यहाँ पानी रुका तो फसल हुई, ये रुकेगा तो सालों भर पानी रहेगा। अब इसमें पानी रुकने लगा है तो कृषक अच्छी फसल उगाने लगे, चना भी उगाते हैं, मटर भी उगाते हैं, गेहूँ भी उगाने लगे हैं, जिससे उगाने के बाद उसमें पानी की व्यवस्था पूर्ण हो जाती है, दो दो तीन तीन किसान सिंचाई हो जाती है उसमें। वाटर रिचार्ज बढ़ने से हैंडपंप और कुओं में पीने का पानी मिलने लगा है। चेक डैम्स के दुरुस्त होने से इस क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता 1930 हेक्टेयर से बढ़कर 3900 हेक्टेयर हो गई है, यानी करीब 102% की वृद्धि। यही नहीं, इन डैम्स की वाटर रिचार्ज कैपेसिटी 99,495.18 क्यूबिक मीटर से बढ़कर 342,331.20 क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है, यानी कुल बढ़ोतरी 242,835 क्यूबिक मीटर, ये पिछले साल से 243% ज्यादा है। इन चेक डैम्स में जल संचय से सरफेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी यानी सतही जल भंडारण क्षमता में पिछले साल के मुकाबले 409% की बढ़ोतरी हुई है। सरफेस वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 4,58,549 क्यूबिक मीटर से बढ़कर 18,78,275.25 क्यूबिक मीटर यानी कुल 14,19,726 क्यूबिक मीटर बढ़ी है। बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम मिला है। पहले जहां वाटर रिचार्ज कैपेसिटी लगभग 1,00,000 की थी, उसके कार्य कराने के उपरांत ये 3,42,000 पहुंच चुकी। इस प्रोजेक्ट ने पहले साल में ही किसानों की जिंदगी बदल कर रख दी। अब बुंदेलखंड के दूसरे जिलों में इसी तर्ज पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद यही है कि आने वाले सालों में यहाँ मौजूद सभी चेक डैम्स को दुरुस्त कर पानी की समस्या को काफी हद तक दूर कर लिया जाएगा। ये महज एक शुरुआत है जिसने साबित किया कि एक छोटी सी पहल भी बड़ा बदलाव ला सकती है। जल शक्ति मंत्रालय हर उस पहल की, हर उस कोशिश की सराहना करता है जिसने पानी बचाने के हमारे महाअभियान को ताकत दी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी कोशिशों में जब आप बनेंगे भागीदार तो जल संकट से निपटने का हमारा सपना होगा 100% साकार।